हेलो दोस्तों और फेलो ट्रैवलर्स। तो अभी मैं हूँ फुकेट में और मेरे पास दो कार्ड है, एक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। आप जैसे देख सकते हो ये दो कार्ड है मेरे पास। एक स्केपिया का क्रेडिट कार्ड है, फेडरल बैंक का क्रेडिट कार्ड है, और एक नियो ग्लोबल का इक्विटास का डेबिट कार्ड है। तो ये दो फॉरेक्स कार्ड है मेरे पास, और ये दो फॉरेक्स कार्ड मैंने ट्राई किया था थाईलैंड में यूज़ करने के लिए। तो दुबई जब मैं गया था तो मेरे को इक्विटास का जो न्यू ग्लोबल का डेबिट कार्ड है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा था, और मैं बहुत सारे ट्रांजेक्शन उस पर कर पाया था। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया दुबई। तो लेकिन जब मैं थाईलैंड आया, अभी मेरी सेकंड या थर्ड लास्ट डे है यहाँ पर, तो थाईलैंड में मैं इसको बहुत कम यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि हॉस्टल और होटल में जब मैं रुक रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि कैश देना पड़ेगा। और जो 7-Eleven जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ पर भी 200 बात, मतलब 450 के अंदर आपका अमाउंट होता है तो आपको कैश देना पड़ता है। उसके ऊपर अमाउंट रहा तो भी आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो ये दो कार्ड मेरे लिए यूजलेस रहे। मैं सिर्फ एक ही बार स्केपिया क्रेडिट कार्ड यूज़ कर पाया हूँ, जब मैं एक टूर पैकेज बुक करा था फिफी आइलैंड के लिए फुकेट में, तो वहाँ पर भी मैं इसको नहीं यूज़ कर पाया। तो ये एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक रहा है मेरे को, और इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ऐसी इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो तो फॉरेक्स कार्ड पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना है। आपको आप कैश साथ में ले लेना है, हमेशा आप साथ में कैश रखिए। और एटीएम से जब आप विड्रॉ करते हो, मैंने यहाँ पर एटीएम से भी विड्रॉ करने की कोशिश की, तो मेरे को 500 रुपीज़ चार्ज लग रहा था मेरे न्यू ग्लोबल इक्विटास डेबिट कार्ड पर। जब मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, मेरे पास बहुत सारे इंडियन रुपीज थे तो वो मैंने एक्सचेंज कराया, तो मेरे को 300 रुपये उस पर चार्ज लगा एक्सचेंज कराने का। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो। कैश हमेशा आप साथ में ला लेना, बात जो है जो भी कंट्री में आप जा रहे हो वो कंट्री का आप एयरपोर्ट पे नहीं, सिटी में पहले से ही करा देना। मैं थॉमस कुक से मैंने लिया था, तो आप कोई भी जो लोकल करेंसी एक्सचेंज के जो ऑफिस रहते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करना कि आप कैश हमेशा साथ में रखो जब भी आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, क्योंकि आप अगर फॉरेक्स कार्ड के भरोसे पर रहोगे तो आपकी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरे को सऊदी अरेबिया में जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं डिपेंड था कार्ड पर, क्रेडिट कार्ड पर, और जो कि नहीं चला था, तो बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हुई थी। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा कैश रखना, और जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप फॉरेक्स कार्ड यूज करते हो वो हमेशा एज अ ऑप्शनल रखना है आपको। मतलब यूज कोशिश करना कि आप डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज करें, फॉरेक्स कार्ड यूज करें, लेकिन अगर वो नहीं चला तो कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखना। और मैं आपको दोनों के फीचर्स बता दूं, तो इसमें 0 मार्कअप फीस है स्केपिया और न्यू ग्लोबल में। लेकिन 0 मार्कअप मतलब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन मैं ये हॉस्टल में, जो मैं अभी हॉस्टल में हूँ फुकेट में, जो अभी चेकआउट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैंने जो पेमेंट किया है वो मैंने कार्ड से किया है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा मेरे से 400 रुपये एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा था और मेरे कार्ड ने नहीं पे चार्ज किया, इन्होंने मेरे को अलग से चार्ज किया। तो ये भी एक मेरे को दिक्कत हुई है। तो इसलिए कैश हमेशा सबसे बेस्ट चीज होती है जब आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो। एटीएम से भी आप निकालते तो अच्छा चार्ज आपको लगता ही है मेरे हिसाब से। कुछ कुछ कंट्री में फॉरेक्स कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ कंट्री में अच्छा नहीं है। जैसे थाईलैंड में मेरे को एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा मेरा फॉरेक्स कार्ड का। और एटीएम विड्रॉल चार्जेस आप 500 रुपये तो पकड़ के चलो, क्योंकि कुछ ना कैसे तो विड्रॉल चार्जेस उसे लग ही जाते हैं। और बाकी का स्केपिया पे जो स्केपिया कार्ड का जो रिव्यू है, उसके जो फीचर्स है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, डिटेल रिव्यू है स्केपिया और न्यू ग्लोबल इक्विटास डेबिट कार्ड का। ये टिप अगर आपको अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है मेरे से, मेरे बैड एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।